सो गाइस जो आपको पहले एक घर दिखाया है, एक विलेज दिखाया, ये भी सेम उसी तरह का ही है। ये दूसरा विलेज है और ये भी समुंदर के पास ही है। तो ये हम आपको दिखाते हैं और ये घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आप देखेंगे इन्होंने कितना बेहतरीन ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ पर ये आग जलाते हैं और यहाँ से ये धुआं निकालने की चिमनी बनाई हुई है। और ये देखें, ये देखने में ये मटके लग रहे हैं लेकिन ये मटके नहीं है, ये डिज़ाइन है। और यहाँ के जो घर के ओनर हैं वो ये है। तहाँ जो नालो छाए भूरोबल तहाँ जो घर है जी। ये मटके हैं, ये सिर्फ डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये डिज़ाइन है। तो गैस ये देखें कितना खूबसूरत है, यूँ लग रहा है जैसे ये मटके ऊपर नीचे रखे हुए हैं लेकिन ये मटके नहीं है। ये देखें, ये सारी डिज़ाइनिंग है। और ऊपर देखें ये छाते, जो एक ट्रेडिशनल, बेसिकली ये समुंदर के पास है, यहाँ पे बारिश का पानी और जल 3 फुट अगर आप एक्सीवेशन करें यहाँ पे पानी आ जाता है। तो जो पक्के घर हैं वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकते, तो फिर ये लोग मड हाउस ही बनाते। और ये देखें सामने, और ये देखें ये चूल्हा, ये बड़ा ज़बरदस्त। ये किसने बनाया ये वाला? ये घर के औरतों ने बनाया है। ठीक है, यहाँ से लकड़ी भी कम ना इस्तेमाल होती है, धुआं जो होता है यहाँ से निकाल हो जाता है, और जो बनाने वाला होता है ना खाना पीना जो भी बनाता है उसकी आंखों पे भी असर भी नहीं होता है। अच्छा, आंखों पे असर नहीं पड़ता, वो फायदा है। इसका भी फायदा है और आंखों का भी जिबाना जी। और ये देखें जी, ये भी टेबल और वही नीचे ये मटका डिजाइन, और ये ऊपर इन्होंने ये चीजें रखी हुई है। और इसी तरह से ये इनके कमरे, कमरा अंदर से देख सकता हूँ। बस ठीक, ये अभी ये देखें, अभी यहाँ पे लाइट तो नहीं है अंदर, तो अभी ये चल रही है कंस्ट्रक्शन। ये समझ इनका ये लेपा जो होता है बारिशों के बाद ये वो कर रहे हैं। तो बाकी ओवरऑल देखें ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है, और यहाँ पे एक अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, ये बहुत साफ़ सुथरा बनाया है। तो ये जो डिज़ाइन, ये मटका स्टाइल, और ये देखें ये इस तरफ ये जो बनाया वो इन बाजी ने बनाया है। अदी तहाँ जो नालो छाए शांति, ये तहाँ के ठायो आ? हाँ, बड़ा सुठो लग दो वो। हाँ। ए घणो टाइम लगे एक बनावण वास्ते? एक डी एक वास्ते, एक पिलर वास्ते। ए चूल्हा भी तहाँ के ठायो आ? हाँ। अच्छा ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त गाइस ये देखे काम किया हुआ। तो इस विलेज को मैं आपको आगे दूसरे घर भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये अभी घर बनाया जा रहा है, ये सेम उसी तरह से। ये देखें ये चूल्हा और ये पिलर, और यूँ लग रहा है कि छोटे छोटे मटके ऊपर नीचे रखे हुए हैं। तो ये इन्होंने अभी ये मट्टी बना के रखी हुई है, तो उसके बाद ये इसके ऊपर लेपा करेंगे और ये भी सेम उसी तरह से बन जाएगा जैसे वो आपको दूसरा दिखाया था। तो अभी इनका यहाँ पर ये देखें ये मंदिर भी है, आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये देखें गाइस, ये इनका मंदिर। अच्छा, ये आप बताते जाएं ये तस्वीरें किन किन की है, नाम क्या क्या है इनका? इसमें शिव है, पार्वती है, रामापीर है, हनुमान है, गणेश है, और सूर्या देव है, और बहुत माताओं की भी तस्वीरें लगी हुई है इसमें। ठीक है, वो जो एंड पे है वो फोटो किन का है? वो हाँ, एंड वाला ये, आगे 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 ये नहीं ऊपर ये बड़े, ये हाँ हाँ ये रामापीर और उसकी बीवी का ना। अच्छा, उनका बनाया हुआ है ये रामापीर, वही है जहाँ पे वो लोग पैदल जाते हैं, वो टंडोला यार टंडोले यार जाते हैं, जो पैदल जाते हैं झंडे लेके। और ये क्या चीज है? ये साध है, तंबूरा सिंधी में बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, इसे भी बना भजन कहते हैं। ये बजाते हैं आप? जी हाँ, बजा के दिखाएंगे। पर ये तो अभी तक नहीं है ना, इसके साथ भी दूसरा होता है अपना साध। हाँ ठीक है, इसलिए इसको ऐसे बजाते हैं। अरे बाहर आ जाए, बाहर ले, ये भलो चीज है। इसको ना ऐसे मना टाइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मना ये बजता है। ठीक है, अभी तो ये अभी टाइट भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको मना देता। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे भी बजता है बजा दे।
सही। ये आप मतलब ये जब आप पूजा करते हैं उस वक्त बजाते हैं या वैसे एक शौक जो होता है? नहीं, ये पूजा करते हैं तभी भी बजाते हैं। ठीक है। अगर या जो कोई खैरियत करता है या मना कोई महफिल होती है हमारी मना, हाँ, तभी भी हम मना बजाते हैं। अच्छा, उस वक्त ये बजाते हैं। ठीक है, ये हमारा मना ऐसे ये एक मना मंदिर का मना। ठीक है, तरीका है आपका। ठीक है, सही है। और इसी तरह से ये देखें, ये इस गांव में सारे जो कुकिंग के लिए चूल्हे हैं उनका सबका एक ही डिज़ाइन है। ये देखें, ये सारा मिट्टी से बहुत प्यारा। तो अभी ये बना रहे हैं, तो सामने ये इनके घर हैं, ये सारा सामान वगैरह इसलिए निकाला हुआ है कि अंदर ये लेपा वगैरह हो रहा है। तो गाइस ये देखें, ये इधर ये नलका लगा हुआ है और ये गवर्नमेंट की तरफ से है बस। ठीक है। और ये आप कितने फुट कह रहे हैं? 1700 फुट। यानी बोर किसी और जगह पर है और वहाँ से लाइन लेके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, वो कड़वा होगा जैसे समुंदर का पानी है, सेम उसी तरह का। तो 1700 फुट फिर लाइन कोई लीक नहीं होती रास्ते में कोई? ठीक है। ये पूरे आपके ये जो 8-10 घर हैं उनमें एक ही नलका है या ज़्यादा है? एक ही नलका है, ये एक ही लगा हुआ है। ठीक है। सुगैद, ये बेसिकली नल जो लगा हुआ है ये यहाँ का पानी अच्छा नहीं है क्योंकि समुंदर करीब है, पानी कड़वा है। तो यहाँ से 1700 फीट के करेंगे, एक और जगह है वहाँ कोई नहर है उसके किनारे पे लगा के वहाँ से लाइन लेके आए हैं। तो ये 8-10 घर हैं, ये उनके पानी के ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। तो इस विलेज का एक ये घर है, ये उसके अंदर वो जो मिट्टी लगाई हुई है वो क्या है, उसके नीचे क्या है? इसमें अनाज रखते हैं हम खाने के लिए। ठीक है। सारी या कणक या ये होती है ना? हाँ हाँ, गंदम। गंदम। ठीक है, वो ही रखते हैं, उसको मना लेपा देकर 12 महीने तक वहाँ उसमें हम वो पंजाब में भी उधर मिट्टी के बनाते हैं, वो उसको बड़ोला कहते हैं, ऐसे वो ऊपर को होते हैं। हाँ, हाँ। तो आपने इस तरह से किया हुआ? ठीक है। अच्छा, इधर स्कूल वगैरह फिर वही होगा जो उधर बन रहा है? हाँ, इस गांव में स्कूल नहीं है इस गांव में, लेकिन वो जो साथ वाली गोठ में बन रहा है फिर बच्चे आप उधर ही भेजेंगे? हाँ, वहाँ तो है, दूर तो है। हाँ, दूर है थोड़ा सा। सो गाइस, ये देखें, ये टॉयलेट्स हैं, हर घर को एक ये टॉयलेट दिया हुआ है, सेपरेट है जो साइड पर हटा के। तो इसी तरह से मैं आपको बाहर से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ।